अकॉर्डिंग टू द जज कि आई एम द की विटनेस, जिसने रिहर्सल देखी है, जिससे साबित होता है कि ये साजिश थी, प्री प्लान था। सामने एक बड़ा सा टीला था, टीले के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। एक लोहे का एक ग्रिल या ऐसा कुछ था उनके पास, जो कि टीले के ऊपर चारों तरफ लगाया हुआ था, और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से मेरा शॉट दिखाने का मतलब था ऊपर से कि कैसे उन्होंने ग्रिप बनाया है। सेम मेथड यूज़ किया उन्होंने बावरी मस्जिद के अंदर डेमोलिशन में। फोर्थ नाइट इन द होटल के पास मेरे को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विश्व हिंदू परिषद के आदमी थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने मेरे को हिंट दिया कि 5 तारीख को वो रिहर्सल करेंगे और रिहर्सल मैं शूट कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन आपको विश्व हिंदू परिषद का आदमी बन के जाना पड़ेगा और मैं शूट करा दूँगा तुमको। 5 तारीख को मैं मॉर्निंग में गया, अपना भगवा कपड़े वगैरह, कपड़े नहीं मतलब दुपट्टा, और उसने मेरे को एक आई कार्ड दे दिया था। वहाँ देखा तो मैंने पूरा का पूरा ग्राउंड जो था वहाँ पर रिहर्सल हो रही थी। लोग फावड़े, हथौड़े, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल तरीके के थे वो लेके आ रहे थे और डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है उसके अंदर कि बाकी लोग तो बगैर मास्क के थे, वो मेरे को लगा लेबर टाइप है। एक आदमी ने नकाब पहना हुआ था, वो जो कि आइडेंटिटी अपनी सरेआम नहीं होने देना चाह रहा था, और वो ही मास्टरमाइंड था, वो ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मॉस्क के ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा और कैसे तोड़ा जाएगा। दिसंबर को हम सुबह पहुंच गए थे वहां पर, बैजेस वगैरह दिए हुए थे हमारे को। 2 मंच बने हुए थे, एक मंच तो वीआईपी के लिए था, अडवाणी, जोशी, उमा भारती और जितने भी वीआईपी थे सब थे। एक मंच के ऊपर हम, जहां से बावरी मस्जिद नज़र आती थी, ये 3रा फ्लोर रहा होगा या 4था फ्लोर, वहाँ पर सारे प्रेस वाले इकट्ठे थे। तो अचानक हमने देखा कि लोगों ने हमको पीटना शुरू करना शुरू कर दिया, और लोगों के जो कैमरे थे वो 3rd या 4th फ्लोर से नीचे गिराने शुरू कर दिए। वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे हमारा शूटिंग। उसके बाद हमको पीटना शुरू किया और हम लोग भागे, जहाँ पर अडवाणी वगैरह सब लोग ऊपर थे। और मैंने अडवाणी जी खुद बोला कि सर वो मीडिया वालों को मार रहे हैं, हमको बचाओ। बट नोबडी वॉज बोदर, सिर्फ वही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और सामने मॉस्क तोड़ रहे थे लोग। मतलब दे आर नॉट बोदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। पच्चीस साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। ज़्यादातर विटनेस जो थे वो कुछ, काफ़ी लोग तो मर गए हैं। जब तक ये कोर्ट का फैसला आएगा, जब फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इज अ पॉलिटिकल इशू है, ये चलता रहेगा। वोट बैंक है बस कुछ लोगों का, और इसका फैसला क्या होगा ये मेरे को अभी तक नहीं मालूम। Audible over the chants of the crowd.